जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब, दूर इतना के तखय्युल का तसव्वुर है महाल, और खुर्बत का ये आलम के रगे जहाँ से खरीब, इतना खरीब है अल्लाह ताला। दिल गनी हो तो हर रंज में दिल की राहत, दिल गनी हो तो हर रंज में दिल की राहत, जहन मुफलिस हो तो हर सूद जिया होता है, दिल की दौलत। अच्छा पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, मेरे तरफ़ से एक ही बात आप सब लोगों को, किसी और से उम्मीद मत कीजिए, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से कीजिए, एक अल्लाह को पकड़ लीजिए बस, सारी दुनिया की ज़रूरत नहीं है। दोस्त होते हैं खफा हमसे तो हो जाने दो, खून होता है जिगर गम से तो हो जाने दो, एक वो राजी है अगर हमसे तो कोई खौफ नहीं, जंग होती है एक आलम से तो हो जाने दो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को एक पकड़ लीजिए, जो भी ज़रूरत है आपकी, अल्लाह जो है शाहरख से भी ज़्यादा करीब है, नहनु अखरबु मिन हबलिल वरीद, मैं शाहरख से भी ज़्यादा करीब हूँ, इससे ज़्यादा करीब कोई नहीं हो सकता है, कोई रिश्ता दुनिया का नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के रिश्ते के। अल्लाह चाहता है कि जो भी मैं से मांगेगा मैं देने तैयार हूँ, वो एक कदम मेरी राह में आया तो मैं 10 कदम आगे बढ़ के उसे रिसीव करता हूँ, इतना इतना मेहरबान है अल्लाह, सिर्फ मुसलमानों से नहीं हर कौम से है, सब उसके बंदे ही, कोई माने या ना माने, सारी दुनिया भी अगर अल्लाह को ना माने, मुनकिर हो जाए, पूरी दुनिया भी अगर मुनकिर हो जाए तो अल्लाह की ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी बेनियाज़ी में, और पूरी दुनिया भी अगर मुसलमान हो जाएं, अल्लाह को चाहने वाले हो जाएं, तो अल्लाह की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह बेनियाज है। ये दिलो दिमाग में ख्याल रखते हुए जो भी मांगना है अल्लाह से मांगिए। जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब, दूर इतना के तखय्युल का तसव्वुर है महाल, और खुर्बत का ये आलम के रगे जहाँ से खरीब, इतना खरीब है अल्लाह ताला। मुझे बहुत खुशी है, मेरी सारी फैमिली जो है अल्लाह को खुश करने में लगी हुई है, ये मेरी खुश नसीबी है, वरना मुझे भी देने की ख्वाहिश, वरना मैं छपा छपा के देना पड़ता, अब माशाल्लाह खुल्लम खुल्ला दे सकता हूँ मैं भी, वो भी दे सकते हैं, जितना चाहे दे सकते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला इतना नवाजा है, दोनों हाथों से रोज़ाना खैरात करेंगे तो कम नहीं होने वाली दौलत दिया है अल्लाह ताला, सिर्फ दुनिया की दौलत नहीं, पहले तो अच्छी नीयत की दौलत दिया है, सबको भी दिया है, फिर उसके साथ दिमाग की दौलत भी दिया है, बड़े 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 प्रोजेक्ट सोच सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर उसके बाद दिल की दौलत दिया है, दिल गनी हो तो हर रंज में दिल की राहत, दिल गनी हो तो हर रंज में दिल की राहत, जहन मुफलिस हो तो हर सूद जिया होता है, दिल की दौलत। और हम सब जो है हमारी दौलत साथ लेके जाना चाहते हैं, दौलत कैसा साथ ले जा सकते हैं, लोग बोलते हैं क्या शरीफ साहब को बस नहीं, अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं 80 पर 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे मेरे लिए नहीं कमा रहा हूँ मैं कौम के बच्चों के लिए कमाना चाहता हूँ, जो भी है इंशाल्लाह साथ ले जाने वाली दौलत है ये जो दौलत है, आप लोगों को हेल्प करके हम आपके ऊपर कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई तो है लेने वाला, देने वाले होंगे और लेने वाले नहीं होंगे तो क्या भी फ़ायदा नहीं उसका, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी बेगम को, हमारी बेटी को, हमारी नवासी को, माशाल्लाह 3 जनरेशन यहाँ बैठे हैं, 1 जनरेशन घर में है, 4 जनरेशन को देखने की नसीब किसे होती है ज़रा बताइए आप, कितनी बड़ी किस्मत माशाल्लाह, नहीं अल्लाह की कितनी बड़ी देन, 1 जनरेशन ही देखते नहीं लोग, 1, 2, 3 सब देने वाले ही माशाल्लाह, मेरा बेटा भी देने वाला, मेरी बहू भी देने वाली, मेरी बीवी भी देने वाली, मेरी बेटियाँ भी सब देने वाले, यहाँ तक कि मेरे पोतरे भी जो है उनको जो कुछ मिलता है वो सेव करके यतीम खाने को जाके देते हैं, उनको मालूम होगा देने का मज़ा क्या है करके, ये कोई देने वाला ही जानता है, देने वाले का मज़ा जो है देने वाला ही जानता है,
और इससे दौलत कम नहीं होती, बढ़ती है रोजाना बढ़ती है माशाल्लाह। 200 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं हम साल को, 200 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। अल्लाह इतना दिया है कि जिंदगी भर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह का शुक्र कीजिए, सब लोग अल्लाह का शुक्र कीजिए बस। वाइन शकर तुम लाजी दनकुम, अल्लाह बोलते हैं कि तुम अगर शुक्र करोगे तो हम और ज्यादा देंगे, तुम अगर शुक्र करोगे तो हम और ज्यादा देंगे। अल्लाह का वादा है ये, सिर्फ शुक्र करना चाहिए हर हाल में, शुक्र दिया तो भी शुक्र, नहीं दिया तो भी डबल शुक्र। मैं हमेशा जो है कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह मुझे मालूम नहीं इसके अंदर फ़ायदा है नुकसान है मुसीबत है परेशानी है, मुझे मालूम नहीं। अल्लाह अगर अच्छा रहा तो काम कराओ, अल्लाह काम हो गया 2 रकात शुक्रिया की नमाज, काम नहीं हुआ 4 रकात शुक्रिया की नमाज, पता नहीं क्या भलाई थी काम नहीं हुआ। यानी दोनों सूरतों में जो है अल्लाह दिया तो भी शुक्र, नहीं दिया तो भी अल्लाह का शुक्र, क्योंकि हम ना मालूम नहीं है किस चीज़ में मुसीबत है किस चीज़ में अच्छाई है किस चीज़ में परेशानी है, लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए हर फैसला अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह ये काम में अच्छा रहा मुझे कराओ, अल्लाह नहीं रहा मुझे बचा लियो। अल्लाह दोनों सूरतों में तुम्हारी सेफ्टी अल्लाह के ज़िम्मे, अगर दे दिए फैसला दोनों सूरतों में तुम्हारी जीत ही जीत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई, और बढ़ाना चाहिए। मेरे तरफ से जो भी खिदमत होगी इंशाल्लाह, मैं तो माल ही क्या, मैं जान देने तैयार हूँ। थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह आपके साथ।